नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। तो आज हम पेपर भी साथ में देखेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं वर्कशीट 63/4/12/2020 विषय हिंदी, और ये संवाद के ऊपर है, ठीक है। आपको एसए वन और एसए टू का पेपर है ये, और एसए वन का भी दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों पेपर दिखाऊंगा, एसए वन एसए टू का, और हिंदी का मैंने टेलीग्राम पर अपलोड नहीं किया है, जल्दी अपलोड कर दूंगा। जिसे चाहिए पीडीएफ वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, हिंदी का जो पीडीएफ है जल्दी अपलोड कर दूंगा संडे तक। तो लास्ट में आता हूं मैं, ठीक है। इसमें ये दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, 5 नंबर पक्के हैं आपके, ध्यान से, कच्चे बच्चे पक्के नंबर ये रहे आपके, अच्छे बच्चे, ठीक, ये रहा आपका, ठीक है। 2 छात्रों के बीच परीक्षा के लिए तैयारी को लेकर संवाद लिखिए। पेयजल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी से संवाद को लिखिए। कहने का मतलब, अगर इस संवाद लिखना आप सीख जाते, बहुत ही सिंपल है, जो आप चीज बातचीत होती है संवाद ही तो कहते हैं, वो लिखेंगे आपको सीधे 5 नंबर मिल जाएंगे। 2 टॉपिक होगा, दोनों में से एक लिखना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एसए वन का पेपर था, एसए टू, अरे इधर आओ एसए टू, कितनी बार कह रखा है, पढ़ा टाइम पास में रहा करो। एसए टू ये राहुल नाम के बच्चे का, हाँ मेरा नहीं है, ठीक है, ये 2020 में दिया है, मैंने तो 2009 में ही पास कर लिया था, 9वीं नहीं। तो संवाद ये रहा, इसका संवाद ये रहा, ठीक है। तो एसए टू का पेपर है, देखिए ये रहा, तेरहवा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सब्जी विक्रेता और एक महिला के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में अपने शब्दों में लिखिए, ये रहा एक संवाद। और डॉक्टर और मरीज के बीच हुई बातचीत को संवाद शैली में लिखिए, ठीक है। ये देखो, ये है आपका, ये भी 5 नंबर का। तो आप ये सब चीज लिखते हैं तो ये आपको सीधे 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और आपको लगे जो संवाद है पहली बार कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको वर्कशीट दिखाता हूँ एक और, ठीक है। ये रही वर्कशीट आपकी, पहले 24 आई थी, 24 वर्कशीट, ये आपके संवाद के बारे में था। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद या बातचीत करते रहते हैं, और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आइए, कहने मतलब, अगर आपको और डिटेल्स शुरू में पढ़ना है तो वर्कशीट 24 आप देखेंगे। तो आप पहले भी कर चुके थे, काफी फनी स्टोरी बनाई थी मैंने, ठीक, क्लास 9 की वर्कशीट 24, और ये दूसरी थी, बारिश से उत्पन्न परेशानी एवं समस्या के बचाव के लिए उपाय समाधान लिखिए, ये भी हमने लिखा था, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं वर्कशीट 24 को, और इसके बाद वर्कशीट 42, याद रखना 24 42, कहीं ये मत देखना, आंखों का भ्रम होता है कई बार, 42 24, ठीक है, 42। तो ये भी आपका रचनात्मक लेखन के अंदर था, इन्होंने रचनात्मक लेखन में नहीं दिया आपके बार, देख लो यार, डीओ वेलकम, देख लो यार, कुछ तो लिखो ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। माय सीबीएसई क्लास वाले बच्चों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं वर्कशीट साथ साथ आपका पीछे का भी करा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 9/10/2020 को हो गया था 42। तो इसमें भी आपने संवाद, देखो 3 संवाद थे यहाँ पे, अच्छी, 2 दोस्तों के बीच में संवाद था, रिपोर्टर के वाला बीच का संवाद था, ठीक है, और ये देखो ये बेचने वाले बच्ची के बीच का संवाद था, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसे संवाद का वाला देखना तो वर्कशीट 42 और 24 एक बार देख लीजिएगा, आपको संवाद याद आ जाए। देखो यहाँ पे 3 संवाद आपने लिखे थे और यहाँ पे 2 संवाद आपके थे, तो कह रहे हैं मतलब 5 संवाद लिख चुके हैं, और आज ये और ये इसको लेके 5, 2, 7 संवाद हो जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी चल रही है, डीओए वाले थोड़ा ठीक करा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक लिख देते तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होती ना। चलो आगे आते हैं, तो टॉपिक पढ़ते हैं, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी, क्या चीज कैसे चल रही है, 5 नंबर, ठीक। मैं और दूसरी वर्कशीट की वीडियो देखता हूँ, बताओ, अरे मतलब कोई नहीं बता रहा यार पीछे का, बस वर्कशीट कराया जा रहा है, फ्रंट से मतलब है, पीछे क्या हुआ छोड़ गया सो छोड़ गया। अरे तो पेपर से बताते रहिए बच्चों को, इंपॉर्टेंट बताइए, तभी तो बच्चे थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चलो प्रश्न 1, रोहा, अरे भाई साहब रोहा मतलब क्या, मतलब कि न काट दिया, रोहन मतलब इतने काट रहे, कोई बात नहीं, रोहा ले लेते हैं। वैसे मैंने पहली बार रोहा सुना है, क्या आप लोगों ने भी पहली बार रोहा सुना है बताइए कमेंट करके। रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपने मित्र सोहा, अच्छा रोहन सोहन हटा के रोहा सोहा लिख दिया है, तो मित्र है सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुई इस संवाद को लिखिए, संकेत के लिए चित्र भी दिखा, चित्र देखिए ध्यान से, इस चित्र को देखिए, यही वो चित्र है जिसको देख के आपको अपनी संवाद को कंप्लीट करना है। ट्रक दिखाई दे रहा है बहुत ही, इसके ऊपर बर्फ ही है, सफेद गाड़ी दिखाई दे रही है, 2 लाइट जल रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, शिमला सोलम चंडीगढ़ 134 55, मतलब 10, मतलब शिमला जा रहे थे, शिमला वाला बनाएंगे, ठीक है। इसको देख के चलिए संवाद बनाते हैं, जो मैं आपको संवाद दूंगा ये आपका एक आधार होगा, इसे आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो और अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 1 को लेके वर्कशीट 63 की है, ठीक है, इसे आपको अपने हिसाब से लिखेंगे तब भी और अच्छा होगा, ठीक है।
सोहा, ठीक है यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ये सोहा की जो लाल लाल वाली लाइन है सोहा की, कंफ्यूज मत होना बस इस वजह से खींच, ये जो लाल लाइन है सोहा की है, सोहा, ठीक है सोहा। अब दो पेन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है सोहा। तो सबसे पहले है आपका सोहा, ठीक है। दो बच्ची, तुम कहाँ गई थी? 3 दिन तुम मेरे घर नहीं आई। कहाँ गई थी भाई? अरे कहीं, अच्छा समझ गए बच्चे, बहुत काफी शानदार। लेकिन रोहा कहती, मैं मामा जी की शादी में शिमला गई थी। इनके मामा जी की शादी शिमला में थी तो ये बच्ची शिमला चली गई। सोहा, फिर तो तुझे बड़ा मजा आया होगा। सोहा क्या कह रही है, फिर तुझे बड़ा मजा आया होगा। रोहा, हाँ इस बच्ची को क्यों नहीं मजा आएगा, अरे जो शिमला घूम के आएगा उसे बड़ा मजा आएगा। हाँ वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिसे देख कर मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। इस प्रकार से और बढ़ा के लिख सकते हैं आप। सोहा, क्या तूने आसमान से बर्फ गिरते हुए भी देखा? ओए आसमान से बर्फ गिरते हुए देखा क्या तूने? ठीक है रोहा, हाँ हाँ मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूं। ठीक है, एक बार जन्नत घूम चुके हैं बच्ची एक बार, ठीक है इनको फील होगी कि जन्नत में है। और सच में शिमला कभी जाने का मौका मेरे को मिला नहीं, लेकिन आप कौन कौन शिमला गया है कमेंट करके बताइए, और जिसने बर्फबारी देख रखी है ठीक है वो जरूर कमेंट करके बताए क्या कैसा फील हुआ उसे उस टाइम पे। रोहा, हाँ मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। सोहा, फिर तूने उस समय फोटो भी खींची होगी। रोहा, हाँ शाम को तुम्हें सारी फोटो दिखा दूंगी। ठीक है आओ, ये अकड़ गई बच्ची, कोई बात नहीं ठीक है, शाम को हाँ मैं तुम्हें सारी फोटो दिखाऊंगी। ठीक है सोहा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है मन ही मन कह रही थी बाबा चली गई, मेरे को तो बुलाया ही नहीं। तो सोहा लास्ट में कहती है बड़ा मजा आएगा। ठीक है तो ये आपकी एक प्रकार से एग्जाम्पल है। ठीक है आप इस प्रकार से अपनी जो संवाद है अपने दो फ्रेंडों के बीच में बना के और बढ़ा सकते हैं। ठीक है 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है ये तो बस आपको आइडिया दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बकवास। बकवास नहीं यार, बात है ठीक है, बात इसे पूरा कर देते हैं। ठीक है बकवास नहीं होगा, चलाने के बारे में बात की। आप इस विषय पर बकवास कर सकते हैं। ठीक है सॉरी बात कर सकते हैं, होने वाले संवाद को लिखिए। ठीक है तो क्या होता है, एक दिन आपने अपने घर से साथ बैठे हो किसी सदस्य के साथ और सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बात हुई और आप इस विषय पर बातचीत करें और उसके चीज को संवाद के तौर पर लिखना है आपको। ठीक है तो अगर मेरी जो बात हुई पिताजी से, ठीक है पिताजी गाड़ी चलानी है चाबी नहीं मिलेगी, बाइक सीखनी है चाबी नहीं मिलेगी, बाहर जाना है चाबी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मैंने ये संवाद अपने भाई के साथ बनाया। ठीक है ताकि वो संवाद आगे बढ़ा चले। तो आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने काले नीले का पेन किया ताकि आपके बार आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं और मेरा भाई रोशन, ठीक है आगे करते हैं। मैं, भाई आप बाइक बड़ी अच्छी चलाते हैं। ठीक है कुछ भी अपना काम निकलवाना होता तो पहले तारदारी करते हैं ना। तो मैं, भाई आप बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं। भाई हाँ हाँ वो मुझे पता है, चल बता मत ज्यादा। मैं, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? भाई नहीं अभी तुम 18 वर्ष के नहीं हो। अरे वैसे भी मैं यहाँ 26 में आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मैंने सो आप लोगों के हिसाब से लिख देता हूँ ये वाला, नहीं तो आप भी 26 लिखेंगे तो अजीब सा लग जाएगा ना। आप तो अभी पार मेरे ख्याल से 13-14 साल के होंगे आप लोग। ठीक है तो नहीं अभी तुम 18 वर्ष के नहीं हो। ठीक है मैं, पर मेरा दोस्त तो चलाता है। अगर आप बच्ची है ना, अगर बच्ची है तो बाइक की जगह स्कूटी लिख सकती हैं। ठीक है बहन आप स्कूटी बहुत अच्छी चलाती हैं। ठीक है तो क्या आप मुझे भी स्कूटी सिखा सकती हैं? इस प्रकार से बना सकती हैं। बाइक है तो बाइक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लड़की एक समान, बाइक चलाओ स्कूटी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं, पर मेरा दोस्त तो चलाता है। यहाँ पे देखो अभी तुम 18 वर्ष का नहीं हो तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। और मैं क्या कहता हूँ, पर मेरा दोस्त तो चलाता है, मेरा दोस्त तो चलाता है बाइक। भाई अच्छा, पुलिस वालों ने उसका 20,000 का चालान काटा है पता तुम्हें, और उसके पिताजी को थाने में भी बुलाया गया। ओ ओ मैं, यह बात मुझे यह बात नहीं मालूम थी। ठीक है बात ऐसे, मुझे यह बात नहीं मालूम थी। भाई अब तो पता चल गया ना। मैं,
ठीक है भैया, लेकिन मैं बाइक चलाना आपसे ही सीखूंगा। भैया तरफदारी करेगा तभी तो सिखाएगा कोई। ठीक है भैया, लेकिन मैं बाइक चलाना आपसे ही सीखूंगा। भाई ठीक है, बालों में हाथ फेरते हुए कहता, नहीं ओ देखा, मेरे से छोटा रहेगा तू। तो बालों में हाथ फेरता हुआ कहता है, ठीक है ओके। ठीक है, तो ये जो आपकी वर्कशीट है, आपको बस इस प्रकार से आइडिया दिया जाता है कि ताकि आप इसी प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, संवाद आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, ताकि और फनी बनाइएगा और अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके जो पेपर में होते हैं, ये 5-5 नंबर संवाद आते हैं। मैं पहले ही शुरू में बता चुका हूँ, तो बार बार चीज को क्या दोहरा है। ठीक है, जिसने पहले वीडियो शुरू में देखा वो तो देख ही गया होगा। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।